सब तरफ रंग है और सभी बहुत खुश हैं आज। हाँ, अलग अलग पकवान भी बन रहे हैं, जलेबी, समोसे। आराम से खाओ कालिया, दिवाली अभी तक खत्म नहीं हुई। कालिया, शाम के लिए भी पेट में थोड़ी जगह रखना। शाम के लिए? इस दिवाली सुनते हैं श्री राम की कहानी, सुनने में लगती है नई मगर है बरसों पुरानी। आ जाओ सारे काम छोड़ के, लगा है आज जैसे कोई मेला। राम सीता की कहानी है ये, जिसको प्यार से कहते हैं रामलीला। तो आज राम का किरदार निभाएंगे हम सबके और ढोलकपुर के सबसे प्यारे भीम, और भीम का साथ देंगे चुटकी, राजू, जग्गू, कालिया, जिन्हें आप देखेंगे अलग अलग किरदारों में। धीरे धीरे समय बीता, देखते ही देखते बड़े हो गए बच्चे चारों। गुरु विश्वामित्र हुए प्रसन्न और कहा, देखकर तुम्हारी लगन हो गया हूँ मैं मगन, इसलिए मैं तुम्हें देता हूँ अद्भुत शक्तियों का वरदान। ये है दिव्य शस्त्र जिनकी शक्ति है अपार, इनके आगे बाकी सारे शस्त्रों की होगी हार। समय हुआ अब स्वयंवर का, जो ये महान शिव धनुष उठा सकेगा और प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा उसी से विवाह करेगी राजकुमारी सीता। तभी गुरु विश्वामित्र का आशीर्वाद लिए आए श्री राम। उठाया उन्होंने शिव धनुष, प्रत्यंचा चढ़ाई और कर दिए उस धनुष के दो भाग। राम, तुम हो विजयी, है ये इस प्रतियोगिता का परिणाम। आज से राम के साथ लिया जाएगा सीता का नाम। तो बोलो सियावर रामचंद्र की। छोड़ कर राज्य त्याग कर सिंहासन, निकल पड़े लक्ष्मण और सीता के संग। युगों युगों तक अमर हो गए श्री राम निभाकर पिता के वचन। मैंने तीनों लोकों की यात्रा की है, परंतु तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष मैंने कहीं नहीं देखा है। तुम भले ही एक सुंदर राजकुमारी का रूप लेकर आई हो, परंतु तुम हो तो एक राक्षस ही। मैं तुम दोनों को देख लूंगी। लक्ष्मण ने अपने बाण उठाए और शूर्पणखा पर ये चलाए। शूर्पणखा अपने नाक और कान से धो बैठी हाथ, चिल्ला चिल्ला कर दौड़ी अपने भाई के पास। भैया। क्या हुआ बहन? राम, लक्ष्मण और सीता हैं मेरी इस हालत का कारण। प्रतिशोध चाहिए मुझे भैया, दो मुझे वचन। बस इतनी सी बात? मैं लंकापति रावण हूँ। रावण कितना सुंदर, कितना प्यारा, बहुत प्यारा है वो हिरण। कृपा कर मुझे ला दीजिए। मैं जाता हूँ हिरण को लाने, मेरे आने में जो देरी हो, लक्ष्मण तुम यही अपेक्षा कर सीता का ध्यान रखो। आप निश्चिंत होकर जाइए। सीते, लक्ष्मण, बचाओ।
रेखा किसी को देगी नहीं अंदर आने। आप इस रेखा के अंदर ही रहिए। कुछ देर के बाद सीता को एक आवाज आई बाहर। साधु ने पास आने की कोशिश की, परंतु लक्ष्मण रेखा ने उन्हें रोका। क्षमा कीजिए साधु जी, मैं खुद लक्ष्मण रेखा के बाहर आती हूँ। और जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आई, साधु ने अपनी असलियत दिखाई। वो साधु नहीं था, रावण था। भैया भैया आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम्हें सीता को अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वो हिरन एक मायावी राक्षस था जिसने मेरी आवाज की नकल की थी। आप चिंतित न हो भैया, हम सीता माता को जरूर वापस ले आएंगे। पहुँचते ही लंका, राम ने अंगद को भेजा कि वो रावण को आखिरी चेतावनी दे आए, किंतु रावण टस से मस न हुआ और न ही वो घबराया। फिर राम ने युद्ध घोषित कर दिया। राम रावण के युद्ध से पूरी धरती थर आई। फिर इसके बाद रावण का रथ और उसके तीर राम ने तोड़ दिया, पर हमला कर दिया। तभी विभीषण ने राम को बताया कि वो ब्रह्मास्त्र उसकी नाभि में मारे, तभी उसको जा सकेगा हराया। फिर अयोध्या पहुँचे सब जन, दिए जलाए मनाया जश्न। भरत ने राम को राज्य सौंपा। फिर राम राज्य का युग आया। तो बोलो श्री रामचंद्र की जय। अरे वो भी हमें भी चाहिए। ये लीजिए, मुझे दीजिए। भीम देखो रंगोली कैसी दिख रही है। बहुत सुंदर, बहुत खूब। क्या बात है, सच में? ये क्या हालत बना रखी है। हमारी छोड़ो, अपनी हालत देखो। लड्डू की खुशबू। उस्ताद बहुत भूख लग रही है। मुझे भी। मक्खियाँ मेरी प्यारी प्यारी, खाना करो खराब बारी बारी। ये क्या, इतनी सारी मक्खियाँ? जाओ मेरी प्यारी मक्खियों और इन बच्चों को सबक सिखाओ। मक्खियाँ मेरी प्यारी प्यारी, मिठाई करो खराब बारी बारी। अब सब यहाँ आओ जल्दी। मक्खी चूस, अब मुझे हरा कर दिखाओ। हाँ
शहद। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, बचाओ, बचाओ। सब कुछ तोड़ दिया, हमारी दिवाली बिगाड़ दी, अब क्या खाएंगे? लड्डू नहीं बचा। मेरे होते हुए लड्डू ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आ जाओ सब लड्डू खाने। चलो चले चले लड्डू। शुक्रिया भीम, हमें तो लगा कि दिवाली बिगड़ गई। हमारे होते हुए दिवाली कोई नहीं।